मासे शिवशुक्ल पक्षे तृतीय द्वितीय मासे श्रेष्ठ चंद्रवासरे कल्याण निमित्त लक्ष्मी नारायण भगवान देवता निमित्त कन्या निमित्त यथा सकेदान। हेलो खमा गणेशा, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हुक्म, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे राजपूती मैरिज में जो है ना थंब की रस्म की जाती है। शादी से पहले, शादी के दिन ही सुबह के टाइम पे जो रस्म की जाती है वो रस्म किस तरीके से की जाती है और उस रस्म को क्यों किया जाता है वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इस मतलब ये जो थंब किस तरीके से रोपा जाता है और किस तरीके से ये रस्म पूरी की जाती है वो आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। थंब की जो ये रस्म होती है वो लड़की के यहाँ पे की जाती है, जब भाईसा की जो शादी होती है उनके यहाँ पे ये की जाती है, दूल्हे के यहाँ पे ये रस्म नहीं होती है। भाईसा के वहाँ पे मंडप लगता है तो मंडप लगने से पहले शादी के दिन ही सुबह ये रस्म की जाती है। थंब रोपने का मकसद यही होता है कि भाई है ना जो मतलब वो खाना वगैरह बनाते हैं रसोईया वगैरह तो कुबेर के भंडार भरे रहे, ऐसे महाराज ने बताया उसी टाइप से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरीके से ये थंब की रस्म की जाती है और थंब की रस्म एक करने का ये मकसद भी है, मतलब जो लड़कियां की शादी होती है तो ना वो कन्यावल रखे जाता है। कन्यावल एक तरीके से वर्ती होता है। सुबह जब थंब की रस्म की जाती है तब थंब की रस्म की पूरी पूजा होने के बाद उस थंब के हाथ लगा के एक संकल्प लिया जाता है। तो मम्मी उन मतलब भाईसा के जो मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी, मतलब जो भी फैमिली में रखना चाहते हैं और जो नहीं रखना चाहते वो नहीं भी रखते हैं, और जो रखना चाहते हैं वो थंब के हाथ लगा के भाईसा और के द्वारा जो पूजा होती है उस पूजा के हाथ लगा के संकल्प लेके छोड़ते हैं। जब तक मतलब हमारी लड़की की शादी नहीं होगी तब तक हम ये कन्यावल रखेंगे और सुख शांति से हमारी ये शादी, बेटे की शादी निपट जाए, इस तरीके से वो कन्यावल रखा जाता है। और ये कन्यावल रखने का एक धर्म भी बहुत होता है, मतलब कन्यादान, जितना हम बेटे के माँ बाप जितना कन्यादान का पुण्य मिलता है ना, एक उसी तरीके से जो कन्यावल रखते हैं उनको भी इस तरीके से पुण्य प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये कन्यावल रखा जाता है हमारे यहाँ पे, उसे कन्यावल बोलते हैं। मतलब जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक है ना उस थंब के हाथ लगाने के बाद से कन्यावल रखा जाता है, मतलब पूरा दिन भूखे रहना होता है। जब तक फेरे नहीं हो जाते, फेरे होने के बाद, शादी होने के बाद लड़की का मुँह देख के फिर उस कन्यावल को खोला जाता है। तो इस तरीके से ये थंब की रस्म इस तरीके से भी की जाती है। थंब एक लकड़ी का बना हुआ रहता है, लकड़ी का बना हुआ एक डंडे के ऊपर इस टाइप से चार कोन में एक लकड़ी बनी हुई रहती है और एक चार चिड़ियाओं के रूप में इसको बनाया हुआ रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसी तरीके से ये थंब इसको बनाया रहता है। घर में जो भी बड़े होते हैं या फिर मान लो लड़की के जो भी पिता होते हैं वही है ना थंब को लेके बाहर दहलीज पे खड़े रहते हैं और उसको और पाँच सुहागिनों का हाथ लगा के कुंकू तिलक करके मोली रोली मोली करके उसकी पूजा होने के बाद इस तरीके से आपने देखा जिस तरीके से फिर अंदर लेके आते हैं और महाराज को देते हैं। फिर महाराज इसके अंदर बीच में एक मिट्टी का कलश होता है वो लाल कपड़े में बांध कर उसको स्थापित करते हैं और दिए वगैरह ऐसे कुछ लगा के वो इसकी पूजा करते हैं। और एक जो ये खाली बर्तन दिख रहा है उसमें मिट्टी डाल के उस थंब को उसमें रोपा जाता है और इस थंब को 12 महीने तक लड़की के यहाँ पर रखा जाता है। शादी होने के बाद भी 12 महीने तक इस थंब को एक साइड में या तो ऊपर रख दिया जाता है या फिर एक साइड में जहाँ पर हाथ नहीं लगे इस तरीके से इस थंब को 12 महीने तक या 1.25 साल तक इसको रखा जाता है। फिर उसके बाद पूरी फैमिली बैठ के पूजा करते हैं और फिर दोनों भाईसाहों को भी बिठाया जाता है जिनकी शादी हो रही है, और इस तरीके से पूजा करने के बाद थंब की रस्म पूरी की जाती है। तो आगे वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ना वीडियो को पूरा देखिए, वरना इसका बोलने का वो मतलब भी नहीं है कि भाई है ना ऐसे पूरा देखो वैसे पूरा देखो, वो मतलब वो कहने का मतलब वो नहीं है। मैं वीडियो पूरा देखने के लिए इसी लिए बोलती हूँ कि है ना आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज़ बताने जा रही हूँ, किस तरीके से हमारे रीति रिवाज में बता रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि वीडियो को पूरा इसीलिए देखिए। पूजा में बैठने वाले जितने भी मतलब जोड़े बैठते हैं, जैसे मम्मा पापा या फिर भाई साहब भाभी साहब जो भी बैठते हैं, तो उनका गठजोड़ करके फिर उनको भी पूजा में बिठाया जाता है। दोनों जोड़े के मतलब जितने हैं इस तरह आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से गठजोड़ करके महाराज फिर उनको बिठा रहे हैं, फिर इनसे पूजा करवा रहे हैं थंब की। तो इस तरीके से जो भी थंब की पूजा होने के बाद हाथ लगा के लेडीज जेंट्स जो भी है ना कन्यावल रखना चाहेंगे वो इस तरीके से थंब के हाथ लगा के फिर कन्यावल करेंगे।
बहुत सारी जगहों पर ये रस्म अलग अलग तरीके से भी की जाती होगी और बहुत सारी जगह ऐसी भी होगी जहाँ पे करते भी नहीं होंगे, इतना मुझे पता नहीं है, पर हमारे